हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेहरा व्लॉग। और मैं हूँ रिचा। तो अभी जा रही हूँ मैं बाहर घूमने के लिए, और जा रही हूँ मैं किसके साथ। तो गाइस, हम आ चुके हैं घूम के, और मैं आपको बता दूं कि मैंने वहाँ पे कोई भी व्लॉगिंग नहीं करी, क्योंकि हम गए थे किसी रिलेटिव्स के घर पे, और आपको पता है कि एकदम से किसी को भी कैप्चर करना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि मैंने भी अभी व्लॉगिंग अभी स्टार्ट करी है। एक्चुअली ना, यहाँ पे पास में मेरी मौसी का घर है और वहाँ पे मेरी मम्मी आई हुई है। गाइस, मैं आपको छत में जाके दिखाती हूँ कि मेरी मम्मी किस घर पे आई हुई है। तो गाइस, वहां पे है मेरी मम्मी। रुकिए, मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये है मेरी मम्मी, और जिस घर पे मेरी मम्मी है वहां पे है मेरी मौसी का घर। देखा, मेरी मम्मी आई हुई है मेरी मौसी के घर, और कुछ ही टाइम के बाद वो मेरे घर भी आएगी। एक्चुअली मौसी के घर पे ना अभी कुछ काम चल रहा है, तो उसी के लिए मेरी मम्मी और मेरी नानी यहाँ आए हुए हैं। बट मैं आप लोगों को मम्मी से ज़रूर मिलाऊंगी। तो कार में वॉमिटिंग हो जाती है और हर बार का यही नाटक रहता है, इसलिए कभी भी मैं रास्ते पे वीडियो नहीं बना पाती। खासकर एसी वाले कार पे तो मुझे वॉमिटिंग होनी ही होनी है, और जहाँ पर मैं जाती हूँ कार पर जाती हूँ तो मैं रास्ते में कुछ खा भी नहीं पाती। इसलिए मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि हम जहाँ भी चलते हैं हम बाइक से चलते हैं। बट जहाँ हम गए हुए थे वो बहुत ज़्यादा दूर था, इसलिए हमें कार पे जाना पड़ा। और सबसे मेन पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि हम जिस कार पे गए थे ना, वो कार हमारी नहीं थी, क्योंकि हमारे पास अभी कार है नहीं। हम लेने का सोच रहे हैं बट अभी नहीं है। वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की कार थी, तो वो जब भी बहुत ज़्यादा दूर जाना होता है तो बाइक में जाना सेफ नहीं होता, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है हम उनकी कार लेके आ जाते हैं। हम सुबह 9 बजे से गए हुए थे, और जो मैंने छोटी सी जो क्लिप डाली थी स्टार्टिंग की, तो मुझे पता था कि आगे मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाऊँगी। सही, मैं कार में बैठी वैसी मैंने छोटी सी क्लिप ले ली, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मेरी वीडियो पे ज़्यादा आते नहीं हैं, बट कार में बैठे थे तो वो कहीं जा भी नहीं पा रहे थे, इसलिए मैंने उनको भी अपनी वीडियो पे थोड़ा सा ले लिया। एक्चुअली मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, तो ज़्यादातर मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ बाहर, तो कभी ना कभी ना चाहते हुए भी वो मेरी व्लॉग में ज़रूर से आ जाएंगे। मुझे ना मेरे हस्बैंड के साथ प्रैंक वीडियो करने का बहुत मन करता है कि मैं उनके साथ करूं, बट वो ना हमेशा काम में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। मैं उनके साथ कोई प्रैंक वीडियो नहीं कर पाती, बट जब वो घर पे रहेंगे और जब उनको कहीं बाहर नहीं जाना होगा, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उनके साथ में कोई प्रैंक वीडियो करूँ। हमारे घर के पास ना एक तालाब भी है, मैं आपको वो तालाब भी आज दिखाती हूँ। तो गाइस, ये है हमारे घर के पास का तालाब, और ये बहुत बड़ा तालाब है। यहाँ का जो व्यू है ना, वो शाम को देखने में इतना सुंदर लगता है। मैं तो हर रोज छत पे आती हूँ और शाम के यहाँ पे टहलती हूँ कि वॉक हो जाती है और साथ में ठंडी ठंडी हवा भी मिल जाती है। गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी तेज ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर वॉक करने में। थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी भी आ जाएगी, तो मैं आपको मम्मी से भी मिलवाऊंगी। तो गाइस, आ चुकी है मेरी मम्मा। हाय मम्मी। हाय। खोलो गेट। हाँ। क्या हालचाल? बस सब बढ़िया है। बढ़िया? गाइस देखो, मेरी मम्मा आई हुई है। तो गाइस, मेरी मम्मी जा रही है अपने घर। बाय मम्मा। बाय। बाय मम्मा।
सो गाइज, मेरी मम्मी जा चुकी है मेरी मौसी के घर, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ. मिलते हैं कल के ब्लॉग में. बाय गाइज.